इसी त्योहार में जहां हम सम्मान देते हैं, इसी तरीके से नागरिक लोगों का एक दूसरे का सम्मान बना रहे। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी नहीं आए, ये एक परंपरा रही है ईद के मौके पर, हर बार पांच साल आप भी आते थे। अगर सिमई आप मीठी खाएंगे तो हर बार आप आएंगे। इसके बाद सिमई सबको मिलेगी, सबको। मैं चाहता हूँ कि सिमई मीठी आप खाएं तो हर साल आप आएंगे। जो एक बार सिमई खा लेगा वो जरूर परंपरा रही है, मुखाएंगे क्योंकि सिमई मीठी है, अच्छी है और बच्चों की सिमई है तो हम तो ज्यादा खाते हैं। लखनऊ के ईदगाह में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। एक साथ ईदगाह में 3 लाख लोग नमाज पढ़ते नजर आए, नजारा देखने वाला था। यूपी की परंपरा के मुताबिक यूपी का मुख्यमंत्री ईदगाह आकर लोगों को मुबारकबाद देता है, लेकिन इस बार भी योगी आदित्यनाथ ईदगाह नहीं गए। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि वो हिंदू हैं और वो ईद नहीं मनाते। उनकी जगह पर रीता बहुगुणा जोशी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सरकार की तरफ से भेजा गया था। हमेशा की तरह अखिलेश यादव भी ईदगाह पर ईद की बधाई देने पहुंचे थे। हालांकि अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं है, न ही सरकार में है, लेकिन फिर भी वो पिछले साल की तरह इस साल भी पहुंचे। अखिलेश के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। त्योहार हमें एक दूसरे को जोड़ने का त्योहार है और मुझे खुशी है इस बात की हमारे देश में हर धर्म के लोग मिल कर के त्यौहार मनाते हैं। हमारे देश की यही गंगा जमुनी संस्कृति है जहां कोई किसी धर्म का रहा होगा, लेकिन जब कभी किसी धर्म का त्यौहार है हम एक दूसरे से मिल कर के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की खुशी बांटते हैं, एक दूसरे के घर जा कर के मिठाई खाते हैं। मैं समझता हूँ ईद का त्यौहार जहाँ सबके लिए सिमई लेके आया है, मिठाई लेके आया है, हमें उम्मीद है कि इसी तरह हमारे देश के हर त्यौहार खुशी के साथ मने। इसी त्यौहार में जहाँ हम सम्मान देते हैं, इसी तरीके से नागरिक लोगों का एक दूसरे का सम्मान बना रहे। इस ईदगाह की ये विशेषता है कि यहाँ पर सभी धर्मों के धर्मगुरु और वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी आते रहते हैं। ये लखनऊ की विशेषता है और ऐसे विशेषता के दिन पर मैं न केवल लखनऊ के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को ईद की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। मुस्लिमों का ईद आई है तो भी कितना खुशियाँ बढ़ी है। ये खुशियाँ का त्यौहार है और ये भारत की एकता का एक नमूना भी है। ईद के मौके पर विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच में एक भाव, एकता, स्नेह और पारस्परिक सौहार्द का बने, ये हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। आज लखनऊ का ये परंपरागत तरीके से ईदगाह में एक साथ सम्मिलित होकर विभिन्न धर्मों के लोगों का आना और साथ साथ ईद की खुशियों को बांटना, ये अपने आप में उदाहरण है पूरे देश के लिए और दूसरे देशों के लिए। मैं फिर से एक बार अपनी दिली मुबारकबाद अपने सभी देश के नागरिकों को और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को देता हूँ।